ये परिवार में अगर परिवार के 10 आदमी है, परिवार के 10 आदमियों को किसी को कोई चीज गलत लगी तो आपस में बैठ के चर्चा करके उसका समाधान निकाला जाता है। ये बैक होना क्या होता है? कोई ये पाकिस्तान से युद्ध थोड़ी ना चल रहा हमारा कि हम पीछे हट गए। ये तो हिंदुस्तान की जनता है, हिंदुस्तान का प्रत्येक आदमी हमारा है भाई। हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार के, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रहनुमा नहीं है, पूरे भारतीय जनता पार्टी नहीं, पूरे देश के एक एक व्यक्ति की मोदी जी को चिंता है। आप देख रहे हैं न्यूज़ ऑफ इंडिया 2। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के नज़दीक लोनी विधानसभा में। हमारे कैमरे के सामने जो इस वक्त शख्सियत मौजूद हैं, हम आपको बता दें कि भाजपा की एक बहुत मजबूत कड़ी है लोनी विधानसभा से। आप हैं श्री ललित शर्मा जी, जो इस वक्त कार्यरत हैं किसान मोर्चा उपाध्यक्ष गाज़ियाबाद और कई अन्य भाजपा के पदों पर कार्यरत हैं। देख रहे हैं कि जगह जगह व्हाट्सएप ग्रुपों पर और सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर एक वायरल हो रहा है पोस्ट, जिसके अंदर आपने लगभग 5,000 से ज़्यादा लोगों की एक रैली निकालने का आह्वान किया है। सर, उससे क्या मैसेज देने का प्रयास है आपका? देखिए, इसी रूप में मुझे भारतीय जनता पार्टी ने घर घर झंडा अभियान जो लगाने का है, अमृत महोत्सव जो हम लोग मना रहे हैं, उसका विधानसभा संयोजक बनाया है। इसी के नियमित 14 अगस्त को प्रातः 11 बजे हम लोग लोनी बॉर्डर, जो हमारा बस डिपो है, वहाँ से हम एक तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, जो लोनी के इतिहास में नहीं, NCR के इतिहास में सबसे बड़ी होगी। और इस तिरंगा यात्रा की सबसे जो खास बात होगी वो ये है कि लोनी तिराहे पे जब ये तिरंगा यात्रा पहुँचेगी तो माँ भारती के सपूतों को, उन्हें जो बॉर्डर पे श्रद्धांजलि दी है, उनको सच्ची श्रद्धा समर्पण अर्पित करने के लिए हम लोग 5,100 लोग, माँ भारती के 5,100 सपूत एक साथ, उससे ज़्यादा ही होंगे, पर 5,100 का हमने लक्ष्य रखा है। 5,100 माँ भारती के सपूत एक साथ राष्ट्रगान का पाठ करेंगे और भारत माता का जयघोष करेंगे। और ये कोई राजनीतिक प्रोग्राम नहीं है, ये प्रोग्राम भारत माता का प्रोग्राम है। जो हम आज़ादी का जो 75वां महोत्सव ये बना रहे हैं, ये राष्ट्रीय पर्व है हमारा, तो पूरी दुनिया में इसका मैसेज जाना चाहिए। तो लोनी में भी राष्ट्रीय प्रेमियों की संख्या कम नहीं है। ये विधानसभा चुनाव में भी आपने देख लिया कि सारे परस्त करके हम लोगों की सीट यहाँ निकली। माननीय विधायक श्री नंदकिशोर गुर्जर जी पहले से भी ज़्यादा वोटों लाके जीते। और आपको इसमें घर घर हम लोग तिरंगा जो अभियान में जो लगा रहे हैं, उसमें जागरूकता लाने के लिए कि प्रत्येक घर पे तिरंगा लगे, क्योंकि ये तिरंगा जो ध्वज है ये हमारे देश की आन बान और शान है। ये प्रत्येक व्यक्ति का है, ना इसका कोई जाति है, ना इसका कोई धर्म है, इसका कोई भेदभाव ना होगे, ये हिंदुस्तान के प्रत्येक व्यक्ति की आन बान शान बने। हर किसी को इस तिरंगे का सम्मान करना चाहिए। अच्छा, एक बात और ललित जी आपसे जाननी थी कि आप देख रहे हैं कि जगह जगह विपक्ष ने लेकिन इसको भी राजनीति में तब्दील कर दिया है, क्या कहना चाहेंगे विपक्ष के लिए, क्या मैसेज है सर आपके पास? देखिए, विपक्ष के पास कुछ बचा तो है ही नहीं। आप राहुल गांधी जी की बात करें या सोनिया गांधी जी की बात करें, तो ये पहली बात तो इनके पास ED की जो जाँच शुरू हुई है, तो ये जनता का अपने तरफ से ध्यान हटाना चाहते हैं, क्योंकि इनकी दर पे दर घोटाले खुलने लगे हैं। और आपने देखा, इनके तमाम मिनिस्टर मंत्री जो भी इनके सहयोगी रहे हैं वो तमाम जेलों में जाते रहे हैं, और करोड़ों अरबों रुपए के इन पे घोटाले शुरू से केस चल रहे हैं। अब ED जब इन पे पूछताछ कर रही है, इन्हें लगा है कि सिकंजा इनका भी नंबर जेल जाने का आया, तो जनता का ध्यान आकर्षित करने के लिए इस बात को कर रहे हैं। और दूसरी जो बात है, मैं आपको बता दूं कि इनके पास कोई मुद्दे तो है नहीं, मुद्दों पर लड़ नहीं सकते। कभी इन्होंने धारा 370 हटाने की बात नहीं की, कभी इन्होंने राम मंदिर बनाने की बात नहीं की, कभी इन्होंने पाकिस्तान को जवाब देने का काम नहीं किया, कभी इन्होंने एक नेशन एक कानून की बात नहीं की। आज पूरे भारत देश को अगर एक साथ विश्व पटल पर कोई लेके चल रहा है और भारत दोबारा से विश्वगुरु बनने की उसमें है, राह में, तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में। अब घर घर अभियान जो तिरंगा लगाने का है, अब ये कह रहे हैं कि तिरंगा अभियान में इनकी साजिश है। अगर हमारी साजिश होती तो भारतीय जनता पार्टी के पास सबसे ज़्यादा इस हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया में कार्यकर्ता हैं। अगर मोदी जी इस भारत माता को अपनी माता ना मानते तो वो हर घर पे भाजपा का झंडा लगाने का आह्वान करते, क्योंकि भाजपा के झंडे पे कमल का फूल होता है, जो हमारा निशान होता है चुनाव से, उससे हमें लाभ होता। पर हर घर पे तिरंगा लगाना, राम मंदिर बनवाना, तो राम हमारे थोड़ी ना अकेले। देखिए 2022 राम मंदिर में तो हर बसपा वाले, कांग्रेस वाले, सपा वाले सब जाते हैं, राम जी को पूजते हैं, रामनवमी सब मनाते हैं। तो जो सामूहिक काम है, जो इस देश हित के लिए काम है, जो राष्ट्र हित के लिए काम है, उस पर इन्हें अड़चन है। इन्हें अड़चन है पाकिस्तान पे जब एयर स्ट्राइक होती है, जब ये सवाल करते हैं। इन्हें देश के विकास से मतलब नहीं है, इन्हें सिर्फ अपने विकास से मतलब है। इनके जो इन्होंने अपना विकास किया, उसके अरबों करोड़ों रुपए जो इन्होंने दबा रखे हैं, वो जो निकलने वाले हैं ना, उस डर से ही बौखलाए हुए, और कुछ नहीं। जनता ने बहुत अच्छी बात कही उन्होंने, कहीं ना कहीं, क्योंकि राम जन्मभूमि का जब फैसला आया तो किसी भी वर्ग के व्यक्ति को कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन विपक्ष उसको कहीं ना कहीं मुद्दा बनाने का काम कर रहा था।
बाकी सब कुछ शांतिपूर्ण रहा, फैसला शांतिपूर्ण रहा, जिस तरह के हमने उन दिनों की कवरेज में दिखाया था सुप्रीम कोर्ट से, वो सारी चीज़ें आपको लाइव करी थी। और हम आपको बता दें कि बिल्कुल बेबाकी से विपक्ष को भी जवाब दिए जा रहे हैं। एक और अहम सवाल हम करना चाहेंगे कहीं ना कहीं इसी सिलसिले में। सर एक चीज़ और है कि अभी आप देख रहे हैं कि जंतर मंतर पे लगातार विपक्ष की संख्या बढ़ती जा रही है, विपक्ष कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज कर रहा है कि अग्निपथ को लेकर कोई अभी माकूल जवाब नहीं आया, किसानों के मामले में बैक होना पड़ा भारतीय जनता पार्टी को। देखिए किसानों के सम्मान में बैक नहीं होना पड़ा, आपने देखा था कि जो उस आंदोलन को चला रहे थे वो तो जा भी चुके थे, पर सरकार ने ये कहा कि आप लोगों ने, मोदी जी ने क्या कहा आपने गौर से नहीं सुना, कि मैं बिल तो बहुत अच्छा है पर मैं शायद आपको पूरी तरीके से समझा नहीं पाया। तो उन्होंने, जब ये बैक होना नहीं होता, ये परिवार में, अगर परिवार के 10 आदमी हैं, परिवार के 10 आदमियों को किसी को कोई चीज़ गलत लगी तो आपस में बैठ के चर्चा करके उसका समाधान निकाला जाता है, ये बैक होना क्या होता है? कोई ये पाकिस्तान से युद्ध थोड़ी ना चल रहा है हमारा कि हम पीछे हट गए, ये तो हिंदुस्तान की जनता है, हिंदुस्तान का प्रत्येक आदमी हमारा है भाई। हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार के, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रहनुमा नहीं है, पूरे भारतीय जनता पार्टी नहीं, पूरे देश के एक एक व्यक्ति की मोदी जी को चिंता है। आप बताइए मुझे, लोनी में 85,000 राशन कार्ड है, क्या 85,000 राशन कार्ड वाले सब भाजपा के हैं क्या? नहीं, बिल्कुल बिना भेद उन्हें राशन पूरे दुनिया में अगर मोदी जी ने फ्री राशन दिया, श्रीलंका जैसे देश उड़ गए, अमेरिका संभाल नहीं पाया अपने आप को, सबकी आर्थिक स्थिति दम हो गई, जिस भारत को लोग कर्जे में कहते थे आज वो भारत 24 घंटे के लिए, आज भारत 24 घंटे राशन बांट रहा है, हर महीने फ्री राशन दे रहा है, और इतने सालों लगातार कोविड को कितने दिन हो गए जब से दे रहा है, तो उसके बाद भी, और आज दुनिया को वैक्सीन फ्री देने का, ऐसे कई देश है जिन्हें भारत ने वैक्सीन प्रदान की है, पूरे पूरे देशों के लिए वैक्सीन के किसी से पैसे नहीं लिए गए, लोगों के इलाज हुए, लोगों को फ्री इलाज मुफ्त मिला, आयुष्मान भारत योजना दुनिया की सबसे बड़ी योजना है। आज मोदी जी देश के जाते हैं प्रधानमंत्री तो उनका 2.5 घंटे एयरपोर्ट पर इंतजार करते हैं, पूरा दुनिया उनके पीछे चलती है। इनके प्रधानमंत्री जाते थे जो कांग्रेस वालों ने बना रखे थे बिगर बोलने वाले, उन्हें 2.5 घंटे एयरपोर्ट पर रोका गया था, उनकी तलाशी ली गई थी। ये तो वैसा देश चाहते हैं कि वो देश हो कि जिस पे कर्जा हो, इनकी तिजोरियां भरी रहे। अब मोदी जी के नेतृत्व में कैसे देश बढ़ रहा है? क्योंकि उनकी तिजोरियां नहीं भर रही, वो देश के ऊपर सारा कुछ निछावर कर रहे हैं, जो देश की जनता टैक्स से देती है वो देश पे ही लगाने का काम कर रहे हैं। और अग्निपथ योजना की आपको बात बता दूं, किसी भी एक बच्चे ने विरोध किया क्या? उन बच्चों ने विरोध किया जिनकी उम्र निकल गई। अरे जब उनकी उम्र ही निकल गई तो उनका फायदा क्या? और उन बच्चों का अवसर देखो ना, आप बताइए मुझे कि जिस उम्र में मोदी जी बच्चों को 12 लाख रुपए यानी कि उनकी सेविंग कर रहे हैं और उन्हें हर विभाग में मदद देने का काम कर रहे हैं, और उसके बाद भी क्या कहते हैं उन लोगों को कैरियर, नहीं तो 21 साल की उम्र तक, 21-22 साल की उम्र तक आदमी कॉलेजों के सामने घूमता फिरता है। माँ बाप कहते रहते हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, हम भी उस एज से निकले हैं, माँ बाप समझाते रहते हैं पर हम लोग नहीं समझते क्योंकि वो एज ही ऐसी होती है। पर अगर बच्चे में ललक लगेगी, भारत माता की सेवा करने का काम होगा और वो उसके बाद अपनी सेविंग भी कर लेगा और वो मैच्योर हो जाएगा अपने समय से, तो वो इस देश को और उन्नति मिलेगी, क्योंकि देश का नौजवान जितना पढ़ेगा, जितना कारगर होगा, जितना सक्षम होगा, उतना देश बढ़ेगा। बिल्कुल। और देखिए इस विषय में हम एक बात और भी बता दें कि आफ्टर 4 ईयर्स मोदी हैज डिसाइडेड अबाउट द कम्प्लीट वर्क एज द एवरी न्यू कमर्स, कि उन्होंने यहाँ तक भी कहा कि बहुत सारे ऐसे संस्थान उनके लिए होंगे जो सबसे पहले प्रायोरिटी उन्हें देंगे, चाहे वो पुलिस विभाग ही क्यों ना हो। तो लगातार कहीं ना कहीं समझने समझाने में जो इस तरह की त्रुटि रही है, लेकिन जिस तरह से है, तो लोनी विधानसभा की जहाँ तक हम बात करें तो महज राशन कार्ड की बात ही नहीं, लोनी पे 12,700 लोगों को 2.5 लाख रुपये मिले हैं लोनी विधानसभा में। अगर लोनी विधानसभा की मैं बात करूँ तो लोनी विधानसभा बिल्कुल जीरो थी, विधायक नंदकिशोर गुर्जर जी के दोबारा विधायक बनने से और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से पहले की मैं आपकी बात बता रहा हूँ, दोबारा जो पहली सरकार में हम लोगों ने काम किया, लोनी में हॉस्पिटल नहीं था, 100 बेडों का आलीशान हॉस्पिटल बनवाया, लोनी के वार्डों में 6 वार्डों में डिस्पेंसरी थी, आज लोनी के 46 वार्डों में डिस्पेंसरी है। उसके बाद पशुपालन का हमने क्या कहते हैं हॉस्पिटल को खुलवाया, लोनी की CSC में ऑक्सीजन प्लांट लगवाया ताकि कोविड से कोई दिक्कत ना आए, कोविड में 7-7 रसोईयाँ चलाई, जनता ने भी बहुत सहयोग दिया, सरकारी रसोईयाँ लोग चलाई, विधायक जी ने 7 रसोई अपनी तरफ से चलाई, फेविफ्लू जैसी दवाएं, ऑक्सीजन के सिलेंडर हमने मुफ्त बांटे जो कोहिनूर हीरे से भी महंगे थे उस टाइम पे, ये भाजपा कार्यकर्ता कर सकते हैं। लोनी में पुस्ता रोड बना जो 1 लाइन का था, आज दिल्ली जाना लोनी के लिए बिल्कुल आसान हो गया, लोनी का सहारनपुर हाईवे पे पहली बार डिवाइडर लगना, लोनी नगर पालिका पहली ऐसी नगर पालिका है जिसमें मेट्रो आई है, लोनी सहारनपुर हाईवे का NH में तब्दील होना, आपका ITI कॉलेज बनना, 2-2 इंटरमीडिएट कॉलेज बनना, ये लोनी को दिया, लोनी बंथला फ्लाईओवर, लोनी में म्यूजिकल गार्डन, लोनी के ट्रीटमेंट प्लांट, लोनी में 10-10 नए बिजली घर,
मैं एक चीज हो तो उपलब्धि गिनवाऊ ना, 6,000 करोड़ से भी ज्यादा का काम हम लोगों ने लोनी में पिछली सरकार में लगातार हुआ कि क्योंकि इस विधानसभा का मैं खुद एक नागरिक भी हूँ, तो इसलिए ये बिल्कुल सत्य बातें हैं। और कहीं ना कहीं हमने भी अपना बचपना बहुत मुश्किलों में गुजारा है यहाँ पर, लेकिन वाकई भाजपा के बाद से लेके लाइट ठीक होने से लेकर और सड़कों पर स्ट्रीट लाइट तरफ बहुत सारे विकास हुए लगातार, वो हमने आपको दिखाए हैं। और आगे भी शायद यही वजह है कि इतने दिग्गज खड़े होने के बावजूद भी विधायक जी को टक्कर देना सभी के लिए नामुमकिन सी बात रही। लेकिन आज हमारा जो विषय है वो स्पेशल विषय इन सब तमाम चीज़ों से अलग हटके, जो कल हमने आपको खबर दिखाई थी जिसमें आपने देखा था कि विपक्ष ने लगातार कई सारे निशाने साधे थे, लेकिन उन्हीं का जवाब तलाशते हुए हम सीधा पार्टी के एक मुख्य कार्यकर्ता से आज आपको संबोधन कराया और बिल्कुल उनके जरिए हमने आपको जवाब दिया। हम उम्मीद करते हैं अपने लाखों करोड़ों व्यूअर्स से कि काफ़ी हद तक आप इनके जवाबों से संतुष्ट रहे होंगे। यदि संतुष्ट नहीं भी हैं तो आप कमेंट्स करके बताएं, और यदि संतुष्ट हैं तो आप किस हद तक संतुष्ट हैं, आपके कमेंट्स हमारे लिए बेहद ज़रूरी हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए क्योंकि एक अभियान हर घर का अभियान भी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, बने रहिए न्यूज़ ऑफ इंडिया 2 के साथ।